अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन स्कूल कराड़ के आज तालीमी वीडियो में आज हम मिलते हैं हमारे जमात नवी के कुछ तलबा के साथ में एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल जो है मज़ाहमतों का मुसलसल जोड़, रेजिस्टेंस इन सीरीज। जब रेजिस्टेंस और मज़ाहमतों को मुसलसल जोड़ में जोड़ा जाता है तो क्या मुहासिल मिलने वाला मज़ाहमत ये मजमूई मज़ाहमत वाकई में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गुजरने वाली बरकी रो उस शय में कम गुजरती है। देखते हैं आज हमारे नवी जमात के तलबा इस बेहतरीन प्रैक्टिकल को अपने कारकर्दगी में किस तरह से अंजाम देते हैं। आइए तो हम सबसे पहले हमारे इन तलबा के ज़रिए से जोड़े गए इस प्रैक्टिकल को यहाँ पर देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे तालिब इल्म ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस रेजिस्टेंस के साथ में एक वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस है, उसके साथ एक वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा रेजिस्टेंस, इसके साथ भी एक वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस मुसलसल आप देख सकते हैं। ये पहले वाला इसको यहाँ पर मुसलसल जोड़ा गया है आगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले को आगे मुसलसल जोड़ा गया है, और इनके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मिली एमीटर यानी एक करंट नापने वाला जो आला है बर्किरों को नापने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो हमने यहाँ पर जोड़ा हुआ है। आइए देखते हैं आलात की तरतीब किस तरह से है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक मज़ाहमत की। तीनों मज़ाहमतें यहाँ पर मुसलसल जोड़ में जोड़ी गई है। तो मज़ाहमत का एक सिरा जो है वो यहाँ पर जोड़ा गया है मिली एमीटर के निगेटिव सिरे से, उसके बाद मिली एमीटर का पॉजिटिव सिरा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी वायर आपको दिख रही है, ये सीधी गई हुई है बैटरी के पॉजिटिव सिरे को। देख सकते हैं आप यहाँ पर बैटरी का ये जो है ये पॉजिटिव सिरा है, और इस पॉजिटिव सिरे के साथ में एक यहाँ पर बैटरी का जोड़ा गया है, और उसके बाद बैटरी का जो निगेटिव सिरा है वो सीधा आता है टैप की, और टैप की से जो सिरा आता है वो सीधा आता है यहाँ पर तीसरे मज़ाहमत को। और इस तरह से यहाँ पर टोटल तीन मज़ाहमतें तीन वोल्ट मीटर और एक मिलीमीटर के साथ जोड़ी गई है। और मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमने यहाँ पर एक चौथा वोल्ट मीटर जोड़ा हुआ है, जो कि इसका एक सिरा जो आता है वो सीधा आता है यहाँ पर पहले मज़ाहम के सिरे पर, और इसका जो निगेटिव सिरा है वो आता है यहाँ पर तीसरे मज़ाहम के आखिरी सिरे पर। यानी कुल वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज भी यहाँ पर नाप सकते हैं। देखते हैं पहला रीडिंग शुरू कीजिए। यहाँ पर हम ऑन करते हैं उसको, माशाल्लाह यहाँ पर शुरू किया है। अब पहला पॉइंट 1.4 वहाँ से शुरू कीजिए बेटा, माशाल्लाह। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर मिलीमीटर में डिफ्लेक्शन नज़र आएगा, जो कि करेक्ट 10 मिली एम्पियर है। पहले मज़ाहम के साथ जोड़ा गया वोल्ट मीटर यहाँ पर आपको दिखा रहा है तकरीबन चार लकीरें हैं, इसका मतलब 0.8 वोल्ट है ना, 0.8 वोल्ट हो रहा है। दूसरे मज़ाहम के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.2 है, और तीसरे मज़ाहम के साथ जो जोड़ा गया है वो है 0.6, और कुल मज़ाहम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुल वोल्टेज भी देख सकते हैं वो है तकरीबन 1.6 वोल्ट। इस तरह से पहला रीडिंग आप देख लिख सकते हैं। दूसरे रीडिंग के लिए हमें बैटरी एलिमिनेटर में से तीन पॉइंट पर रखना है। जैसे हम वहाँ पर आते हैं तो हमें सबसे पहले मिलेगा मिली एम्पियर में, मिलीमीटर में 20 मिली एम्पियर। उसके बाद आते हैं फर्स्ट वोल्ट मीटर की तरफ, वो है तकरीबन 1.4। सेकंड के लिए आते हैं वो है 0.8, और तीसरे के लिए आते हैं तो वो है 1.6। बिल्कुल, और टोटल कुल मज़ाहम में देखते हैं तो आता है 3.2। ठीक है, इस तरह से अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, 4.5 जब हम वोल्टेज करते हैं तो पहला रीडिंग आता है हमारे लिए यहाँ पर मिली एम्पियर आता है 30 मिली एम्पियर, जो कि बरकरार है। यहाँ पर पहले वोल्ट मीटर में 2 वोल्ट है, दूसरे वोल्ट मीटर में यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है 1.2, तीसरे वोल्ट मीटर में यहाँ पर आता है
1.6 और कुल वोल्टेज आता है 4.6 वोल्ट। ये हो गया हमारा सेकंड रीडिंग। आते हैं हम थर्ड रीडिंग, आते हैं फोर्थ रीडिंग की तरफ। 6 वोल्ट पर बैटरी करने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पर मिलता है 40 मिली एम्पियर जो बरकरार है। उसके बाद V1 मिलता है हमें 2.8, उसके बाद V2 मिलता है 1.8 एंड तीसरा मिलता है 2.2 और कुल हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है 6.4। यह है फोर्थ रीडिंग। अलाउ टू द पॉइंट लास्ट रीडिंग 7.5 पर रखते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है पहला जो रीडिंग है वो है बिल्कुल 50 के करीब। हम इसको 50 मिली एम्पियर ले सकते हैं। V1 आता है 3.2, उसके बाद V2 आता है हमारे लिए 2.2, V3 आता है 2.6 और लास्ट में आ रहा है हमारा Vs, मतलब जो टोटल कुल वोल्टेज है वो है 7.6। इस तरह से अगर हम हमारे जमात के तलबा के साथ बातचीत करें तो हमें यहाँ पर कुल मज़ामतें बराबर तरतीब से मिलती हैं। और अगर आप इस तरह से रीडिंग लेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल रीडिंग जो है वो बराबर तरतीब से आपको मिलेंगी। और ये प्रैक्टिकल हमारे तलबा को समझाने के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिकल है, जिससे हमें ये बात वाजे होती है कि अगर हम ओहम के कानून के मुताबिक मुसलसल जोड़ में मज़ाहमतों को जोड़ते हैं तो कुल मिलने वाली मुहासिल मज़ाहमत ये बढ़ जाती है। और मज़ाहमत के बढ़ने की वजह से बरक़ कवा का फ़र्क तो सेम ही रहता है, लेकिन बरक़ रवा जो गुज़रती है वो कम गुज़रती है, जिस वजह से जितनी बरक़ रवा कम गुज़रेंगी उतना इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कम होगा। इस तरह से हम हमारे तलबा को इस नवी जमात के प्रैक्टिकल के ज़रिए से ये समझा सकते हैं। और इस तरह से अगर हम प्रैक्टिकल मुकम्मल तौर पर अगर करते हैं तो हमारे तलबा इस तरह के प्रैक्टिकल के साथ में अपनी जहानत को फ़रोग देकर अपने इल्म में आइंदा के लिए तरक्की कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिकल पसंद आए तो अपने तलबा को ज़रूर दिखाइए और अपने साथ दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।